खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन तुगलक रोड ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन इस समय की 10 बड़ी खबरों का। नए कैबिनेट को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने करीब 5 घंटे बैठक की। सूत्रों का दावा, 20% मंत्री बदले जा सकते हैं। कल मोदी दूसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी ने बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को न्योता दिया। मोदी के शपथ ग्रहण में न्योता न मिलने से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी का बयान, पाकिस्तान के नाम पर लड़ा गया चुनाव, बुलावा मिलने की उम्मीद करना बेवकूफी। एबीपी न्यूज पर इनकम टैक्स के दस्तावेज से खुलासा। चुनाव में खर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर अलग अलग विभागों के जरिए उगाही और चुनाव खर्च के लिए पैसे बांटने का आरोप। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन जारी किया। कल दिल्ली में होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मोहनपुरा इलाके में एनकाउंटर अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। एनकाउंटर के दौरान मुख्य आरोपी पप्पू जायसवाल गिरफ्तार। मुंबई के पायल तडवी खुदकुशी केस में 3 आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। पायल के परिवार की चेतावनी, इंसाफ नहीं मिला तो तेज होगा आंदोलन। विश्व कप के दूसरे वार्म अप मैच में भारत ने दर्ज की शानदार जीत। बांग्लादेश को 95 रनों से हराया। विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी आज लंदन के बकिंगम पैलेस में। सभी कप्तान क्वीन के साथ चाय पर करेंगे मुलाकात।